एवरीवन, तो ये आज है 17 तारीख, विच मीन्स माई 17th डे। और सामने ना स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है भाई। जब हम स्कूल में होते थे, अगर कोई ऐसी चीज़ें करे तो हम लोग बहुत मजाक मनाते थे। मुझे लग रहा है कि मेरा भी ऐसा ही बनेगा। क्या इन्फ्लुएंसर लोग बिना धोए हुए कपड़े पहन के, ये 4 दिन पहले मैंने रगड़ा था। अब मैल देख सकते, मैं आपको डांगे दिखा सकती हूँ। कहाँ भाग रही है इन्फ्लुएंसर जी, रुकिए। डेली नहाना, कपड़े चेंज करना, कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम बकवास। And this is my favorite sweatshirt. और इसने बोला कि वो लेके जाएगी, so फिर मुझे लगाना ही था आपको दिखाने के लिए कि मैं भी ज़्यादा अच्छी। सुनो आपको कुछ। तो मैं पानी की बॉटल लेके चल पड़ती हूँ अपने फर्स्ट सेशन में बैठने। और हमेशा की तरह आज भी मेरा टारगेट था कि मैं मोस्ट ऑफ दिस सेशन सुबह के टाइम ही पूरे कर लूँ। One bottle down, पी लो मेरे साथ में पानी। So मैंने एक बोतल पानी की ख़त्म कर ली है और अभी बज रहे हैं 10। और मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे लिटरली भूख लग गई है। उसके बाद आगे की पढ़ाई करूंगी। तनु कहकर क्यों पुकारती है? मैंने उसे इतनी बार सुन लिया, बोलो तनु, बोलो। तुम चुप क्यों हो? हेलो, अभी बज रहे हैं 2 और मैंने अपनी 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और मेरा पानी का भी ऑलमोस्ट दूसरा बॉटल खत्म होने वाला है, थोड़ा ही बचा है। बाकी अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी या व्लॉग एडिट करूँगी, देखते हैं। और मम्मा अभी हैं स्कूल में और रितु देख रही है अपनी सीरियल अपने रूम में। सो हम करते हैं अपने व्लॉग एडिट। बाय। तो 4 बजे मैं व्लॉग एडिट करके फ्री हो गई और फिर से पढ़ने बैठ गई। और पढ़ते पढ़ते मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, बट खुद कौन उठ के जाए। सो मैंने सोचा रितु को बोल देती हूँ, पर जैसे ही मैंने उसको बोला, ऑब्वियसली ना ही आना था। बट फिर मैंने नोटिस किया, अरे ये तो फ़ोन पे बात कर रही है। सो मैंने एक और ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि लड़कियाँ यूजुअली जब भी फ़ोन पे होती हैं तो हर काम कर ही लेती हैं। और फिर क्या था, आप खुद ही देख लीजिए। Thank you so much. ये देखिए मामा क्या लिखा है। मामा ये क्यों लाते हैं? आपको पता मैं जंक फूड नहीं खाती मामा, आई एम ऑन डाइट। मेरे लिए लाया करो फ्रूट्स। मामा सुबह से किया भाई एक काम इसने, भाई सोई होती और अपना सीरियल देखने होती लगी हुई सुबह से। नहीं दूंगी कुछ भी कंटेंट के लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। देना पड़ेगा। मैंने क्या किया? हाँ क्यों गई हुई? मैंने कुछ किया? ऐसी रोने लगी, फालतू कंटेंट के दे रही खुद ही। सबके साथ थोड़ी देर बैठने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने फिर से चले जाती हूँ। और 6:30 बजे अपनी एक्सरसाइज करती हूँ और फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो एक बात बताओ, ये वाला वो किसके ऊपर लगता बढ़िया? मेरे ऊपर कि रितु के ऊपर? रितु के ऊपर। मम्मी सच बोले यार। सच बोली मम्मा, मेरे ऊपर बोलो। मैंने नहीं देना ये रितु को, ये ले जा रही इसको परे। रितु जी का क्या कहना है? रिति का ये चीज अपने आप मेरे पास आना चाह रही। दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। तो
तो अभी 9 बज गए हैं और आज क्योंकि मेरा ना सब अच्छे से पढ़ाई वगैरह हो गई थी, दिन में मैंने अच्छे से कर लिए थे 6 घंटे पूरे, तो आज मैं खाना खाने के बाद मम्मा और रितु के पास बैठी थी और पूरा मैं और मम्मा 1 घंटे तक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में घुसे पड़े थे। और अब मैं 2 घंटे अपना पढ़ाई कर लेती हूँ और फिर मुझे फिर से ब्लॉग एडिट करना है क्योंकि, तो चलो। तो आज मम्मा और मैं काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे थे और हम बात कर रहे थे कि टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज मुझे अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल हो चुके हैं और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। एनीवे, मैं इसके बाद 11 बजे तक पढ़ने बैठती हूँ और इस तरह से मैं अपने आज के दिन के 8 घंटे भी पूरे करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।